नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा में एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों सहित संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों की कर रही तलाश। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कपूरथला में हुए दीपा कत्लकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। चार पिस्टल, एक राइफल और तीन जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के सीआईए स्टाफ की टीम ने गैंगस्टर पंचम को मुंबई के होटल से किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर किया ये ऑपरेशन। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा में एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों सहित संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला ने इस घटना को अंजाम फगवाड़ा से मौली के बीच आती रेलवे लाइनों पर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जीआरपी फगवाड़ा के इंचार्ज एएसआई गुरपेज सिंह ने बताया कि मृतक महिला की पहचान प्रवीण कुमारी पत्नी रवि कुमार निवासी गांव भारसिंहपुरा थाना फिलौर व उसकी बेटी समनप्रीत और बेटे नवनीत कुमार के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तीनों लाशों को एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि क्यों तीनों पारिवारिक सदस्यों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि मृतका के पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क किया जा रहा है ताकि इनके आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाया जा सके। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज शामी शताब्दी एक्सप्रेस के नीचे नजदीक आके किलोमीटर नंबर 407-18-20 दरम्यान रेलवे मौली फगवाड़ा तीन एक लेडी आ, दो बच्चे आ। लेडी का नाम है प्रवीण कुमारी, पिंड भार सिंहपुरा थाना फिलौर, तो लड़की हैगी 10 साल की सिमरनप्रीत कौर, तो लड़का हैगा नवनीत कुमार। जी लेडी है वो एज हैगी करीब 38 साल की। इन्होंने खुदकुशी की जाती है रेलवे ट्रैक दूर आ फिर जी डेड बॉडियाँ बुरी तरह क्रश हो गई। असं मौके पर आए थे जी आर पी स्टाफ, आर पी ओ स्टाफ, बाकी सा सारा भाईचारा आया। ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਠਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 80 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੀਆਂ ਉਹ 4-5 ਜਣੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੈ ਗਏ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कपूरथला में हुए दीपा कत्लकांड के आरोपी को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राकेश कुमार उर्फ पोपी निवासी कमल विहार के रूप में हुई है। डीसीपी हरविंदर सिंह ने बताया कि एसीपी परमजीत सिंह की देखरेख में सीआईए 2 की टीम मौजूदा चौक पर मौजूद थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि उक्त आरोपी इलाके में मौजूद है और उसके पास अवैध हथियार भी हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पोपी को एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी को साल 2013 में हुए दीपा कत्लकांड में 20 वर्ष की सजा हुई थी, तो वहीं एक वर्ष पहले आरोपी पैरोल पर बाहर आया था, जिसके बाद वह वापस ना आकर मेरठ और यूपी में चला गया, जहां से उसने अवैध हथियार खरीदे और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जालंधर घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी से 4 पिस्टल, 1 राइफल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। राकेश कुमार एलियस पोपी नाम का व्यक्ति जो 1 साल पहला एक सिटी कपूरथला के 302 के मर्डर केस की सज़ा कट रहा है, 1 साल पहला पैरोल के उत्ते आया, जो पैरोल के उपर आने बाद वापस जेल के नहीं गया। इस जी लीड मिल के उपर साढ़े ACP डिटैक्टिव मिस्टर परमजीत सिंह इन्हों की अगवाई के जी हैगी सारा ऑपरेशन असी एक चाकआउट किया गया।
जिस दे विच जिहड़ा हैगा इस ऑपरेशन दे विच इस राकेश कुमार एलियस पोंपी नूं मौका तो गिरफ्तार किया गया, जिसकी गिरफ्तारी से एक 32 बोर पिस्टल ते प्लस 3 जिहड़े लाइव कार्टेज सी, 3 जिंदा राउंड जिहड़े हैगे इस दे पोजेशन दे विचों काबू किए, एंड वक्रा एक परचा जिहड़ा हैगा 114 नंबर मुकदमा 2554 आर्म्स एक्ट का जिहड़ा हैगा डिवीजन नंबर 1 जलंधर दे विच दर्ज रजिस्टर किया गया, एंड दोषी नूं पेश करके बाद दे विच जो पुलिस रिमांड हासिल किया गया। दौराने पुलिस रिमांड राकेश कुमार पोंपी वालों जिहड़े हैगे 3 जिहड़े हैगे ने पिस्टल 32 बोर ते एंड 1 12 बोर जिहड़ी हैगी है गन ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਵੈਪਨ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਜੋ ਪੋਂਪੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 32 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਂਡ 1 12 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਪਲੱਸ 3 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟੇਜ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। जालंधर पुलिस ने गैंगस्टर पंचम को मुंबई के एक होटल से सुबह गिरफ्तार किया। गौरतलब रहे कि आप नेता के फ्लैट में गोली चलाने के मामले में नामजद गैंगस्टर पंचम नूर को कमिश्नरेट पुलिस की CIA स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए DCP हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि धारा 307 के मामले में नामजद आरोपी गैंगस्टर को पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर सुबह गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन्होंने बताया कि गैंगस्टर पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साढ़े जालंधर कमिश्नरेट एरिया दे विच एक FIR नंबर 210/2023 जी है अंडरसैक्शन 307, 365, 323, 148, 149 एंड आर्म्स एक्ट के अधीन जी है करीब 10 जिहड़े मुजरम से उन्होंने खिलाफ जी दर्ज की गई थी, जिन्हों के एक व्यक्ति को किडनैप करके वो मार कटाई जी है मार देने की नीति ना उसे सट्टा मारी गई सी। वो पहले एक अक्यूज जिहड़ा मुकेश सेठी की जी है गिरफ्तारी हुई थी, उस अगे साढ़े को लीड सके जिदे ये एक होर जो मेन अक्यूज़ है पंचम नूर सिंह है, जिसके पहला भी जोड़े है करीब इस 18 मुकदमे जोड़े है दर्ज है उसनों बॉम्बे के जी है मुंबई पुलिस की जोड़ा उन्होंने स्पैशल सैल है उन्होंने नाल जी ज्वाइंट ऑपरेशन के CIA टीम जलंधर वालों अरैसट किया गया। जे पंचम नूर के नाल एक होर अक्यूज़ जोड़ा है हिमांशु माटा जोड़ा है वो भी जोड़ा एक गैंगस्टर है उसनों भी उतों अरैसट किया गया। तो ये 2 अक्यूज़ जोड़े है साड़िया टीम्स बॉम्बे तो उन्होंने हैगी है ड्यू जोड़ा प्रोसीजर हैगा वो अकॉर्डिंगली उन्होंने कोर्ट के पेश करके ट्रांजिट रिमांड से लैके साढ़े जलंधर आ रहे। राज्यसभा सदस्य संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में अरदास समागम में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बहुत ही अच्छा प्रयास है, नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं SYL के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब के पास अधिक पानी नहीं है, धरती के नीचे का पानी बहुत कम हो चुका है, जिस घर में खुद पानी ना हो वह किसी को कैसे देगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस अरदास कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने अरदास की कि पंजाब की धरती प्रदूषण मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, नशा मुक्त हो और नौजवान पीढ़ी है वह तरक्की करे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे खेलों में लीन हो जाते हैं उनकी उसमें रुचि बन जाती है और वे अपने शरीर का ख्याल भी रखते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहब से जिते पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं उत्थे नाल होर सारे स्कूलों के बच्चे वख वख महापुरश जिहड़े पहुँच रहे हैं तां कि गुरु पातशाह दे चरणां विच अरदास करके कि पातशाह कृपा करो ये जी पंजाब की धरती है जी जिथे प्रदूषण मुक्त होवे, भ्रष्टाचार मुक्त होवे, उत्थे नशे मुक्त होवे ते जिहड़े साडी नौजवान पीढ़ी है वो तरक्कियां करे। सो उहदे वास्ते जिहड़ा है नशियां दा कोड़ आ वो साडी नौजवान पीढ़ी तो जिहड़ी आने वाली पीढ़ी है सचेत होवे ते अरदास करन वास्ते गुरु पातशाह दे चरणां विच आ जाए इकट्ठे। खेडां दे जिहड़े बच्चे खेडां च लग जांदे आ जेकर उहनां नूं प्रॉपर उहनां दी रुचि बन जांदी है ते फिर उह अपना शरीर भी संभालदे आ, आप भी बचदे आ, दूसरिआं नूं बचाउंदे आ। सो नशे जिहड़े हैगे आ इक कोड आ चा कह लईए कि जिहड़ा इहदे विच नौजवान फस जांदे आ फिर उहनां दी जिंदगी बर्बाद हो जांदी है, परिवार ते उहनां दे
जिहड़ा है अपना आप उन्हां दा जीवन भी खत्म कर जांदे करी जा रहे नशे ते बीमारियां नूं बहुत सारियां नूं जन्म दिंदे आ। सो इस वास्ते जिहड़ा हैगा नशियां तों दूर रहण दे नाल ही जिहड़ा हैगा नरोआ पंजाब तंदुरुस्त पंजाब जिहड़ा है भ्रष्टाचार मुक्त ते नाल नाल नशा मुक्त भी जिहड़ा हैगा उह पंजाब होवे। अज जिहड़ा अरदास दा विशा वा उह हैगा सरबत दे भले दी अरदास। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। तो बड़ा चंगा उदम आ, बड़ा चंगा यतन है, बड़ा चंगा उपराला। ये उपराला साढ़े जिहड़े शहर के अधिकारी ने उन्हां वल्लों कीता गया ते चंगे काम की अहीं शलाघा करते हैं। तो चंगे काम जिहड़े ने सारिआं नूं गुरु महाराज की कृपा दे नाल समाज दे विच जिहड़े आ करने चाहिए। वो तो सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई। ते साड़ी ड्यूटी आ गुरु महाराज ने अकाल पुरख ने लाई जिन्ना सच्चे पातशाह परमेश्वर करवाउंदा संगतां दे सहयोग दे नाल वख वख जिहड़ियां साडियां संप्रदावां ने वख वख जथेबंदियां ने अपने अपने ढंग दे नाल अपने अपने तरीकियां दे नाल जिथे जिथे कोई संत महात्मा अपने अपने इलाकियां च बैठे ने जिन्नियां संगतां उहनां दे नाल लगियां ने जुड़ियां ने भले दे कारज जिहड़े ने शुभ कार्य जिहड़े ने वो सारियां संस्थावां कर रहियां ने। मोगा में लूटपाट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। भले ही मोगा एसएसपी ने गत दिनों मोगा में पीसीआर की गश्त बढ़ा दी है लेकिन फिर भी चोरी और लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसका ताजा मामला मोगा की चुंगी नंबर 3 के पास एक दूध की डेयरी में सामने आया है, जहां लुटेरों द्वारा ग्रोवर डेयरी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान लुटेरे डेयरी में से लगभग 30,000 रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान डेयरी मालिक ने कहा कि जब उसने लुटेरों का पीछा किया तो लुटेरों ने हवाई फायर कर दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। राती मेरा छोटा ब्रदर इधर डेयरी पे बैठता है जी, उनका नाम है सौरव ग्रोवर। राती उनके ना वारदात हुई है जी, दो बंदे पिस्तौल लेके आए हैं जी, उनके हमला करने वास्ते। उन्होंने लुट दी नाले उन्होंने गले चो पैसे कढ़े ते नाले उन्होंने कहा भी तेरे पिस्तौल मारांगे असी पासे हट जा। तो फिर उन्हें थोड़ा जिहा विरोध किया तो उन्हें उन्हें डंडा मारिया जी, तो उन्हें डर के फिर उन्होंने चाबी देती गले की। तो फिर उन्हें गले दे विच जिन्ने पैसे सीगे 25,000 रुपया सीगा तो सारा उन्हें कढ लिया जी। तो कढ के तो फिर उस तो बाद जी वह फरार हो गया जी इतों। तो उस तो बाद मेरा भरा उन्होंने मगर भज्जिया जी, तो जो उन्हें मगर भज्जिया जी तो उन्होंने उन्हें जमीन के उत्ते उसने फायर किया उन्होंने डराने पिछे भी पासे हट जाए असली पिस्तौल आ तेन मार देंगे असी। फिर मेरा भरा डर के पिछे हो गया जी। सर असी ना बाहर खड़े सीगे, मतलब कि दो जने आए, मतलब कि मुँह बन्ने हुए थे, एक दे लाल रंग की कैप लेती हुई सी ते एक दे पारना बन्ना जी सफेद कलर का। तो उन्होंने ना सानू आने सर ना बाहों फड़ना सानू अंदर ले आए सी, कदे कोई मजाक करता। तो जो असी अंदर आए तो उन्होंने मतलब कि सानू धक्का मार के अंदर किया, तो ना एक ने रिवॉल्वर कढ़िया दूजे ने डांग कढ़ी। तो वह वीरे मतलब गन ला के कहें भी गला खोल, वीरे ने दुकान भी चाबी बच पाली। तो अं अंदर जाके वीरे सद के लाए उधर दूसरी दुकान तो वो मगर साढ़े आया भी। तो वीरे ने मतलब कि जो उन्होंने पैसे ले ले उन्होंने मुंडे ने आवाज़ मार ली भी वीरे बाहर आ जा, भी बाहर आ जा, भी आया काम हो गया। वो तकर भज गए जो सारे जने आए उदू भज गए थे। ये कल की वारदात हैगी है, ग्रोवर डेयरी हैगी सी, उत्थे मुंडा विशु ग्रोवर ना का उनका है जरा डेयरी रन करता। उत्थे दो मुंडे आए, कोई दो नौजवान से मुंडे मूँह उन्होंने बन्ने हुए थे, तो उन्होंने हाथ च वैपन से, तो उन्होंने जोड़ा है वैपन दिखा के जोड़ा वो जो गले जो वो डिपोजिट से लैके चले गए। कि पैसे 25,000 रुपया कह रहा मन जोड़ा अपना डेयरी का विशु ग्रोवर, तो एक मतलब कि पिस्टल वगैरह कह रहा है। कुछ पता लगा जी ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਲਈ ਆ,
ਤੇ ਜਲਦ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਕੀ ਗਈ ਸਰਬੱਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਵਧਾਈ ਦੀ। उन्होंने कहा कि वह अमृतसर के पुलिस कमिश्नर व स्कूली बच्चों को बधाई देते हैं जिन्होंने ये बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसमें 35,000 के करीब बच्चों ने अरदास की है कि नशा मुक्त पंजाब बनाना है। सचखंड श्री दरबार साहिब में जाकर मुख्यमंत्री के साथ इन स्कूली बच्चों द्वारा अरदास की गई है, जिसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि 1024 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं जिनमें गली मोहल्ले की टीमें भी शामिल हैं। अमृतसर को क्रिकेट के रंग में पूरी तरह से रंगने के लिए तैयार किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत बधाई देना जेड़ा अज ये उपराला जेड़ा किया गया ते ओदे नाल नाल जेड़े अमृतसर साहब दे जेड़े खास तौर ते सीपी ने मैं उन्हां नूं बहुत बधाई देना क्योंकि अज जिहड़े बहुत रिकॉर्ड ने जिहड़े उह बने ने कि 35,000 जिहड़े बच्चे है उन्हां ने इकट्ठे होके ये अरदास कीती, संगती रूप च अरदास कीती कि नशा मुक्त जिहड़ा पंजाब है असीं उह बनाउणा हैगा। सरबत दे भले दी जिहड़ी अरदास है दरबार साहब जाके सीएम साहब दे नाल जिहड़ी उह कीती गई ते उस तो बाद जिहड़े टूरनामेंट की जिहड़ी शुरुआत है वह अज इत्थे कीती है ते जिथे तकरीबन 1024 टीमां पूरे अमृतसर तो जिहड़ियां पार्टीसपेट कर रही ने मैनू लगता भी गली गली की टीम जिहड़ी है वह इस टूरनामेंट विच जिहड़ी हिस्सा लूगी। ऑफिसर भी लैणगे, सारे जिहड़े होर मुलाजम ने वह भी जिहड़े लैणगे, डॉक्टर भी लै रहे हैं, प्रोफेशनल बच्चे भी लै रहे हैं। मतलब कि भी कहण दा भाव है कि अमृतसर नूं क्रिकेट दे रंग दे विच जिहड़ा उह रंगणा है। सो जिवें असीं पहला खेडां वतन पंजाब दीआं करवा रहे हां कि पंजाब च जिहड़ा खेड कल्चर जिहड़ा उह रिवाइव करना है, बच्चियां नूं पंजाबदियां नूं नशे आले पासों मोड़ के खेड आले पासे लाउणा है ते जिहड़ा पंजाब दा गौरवमय इतिहास रिहा कि देश भर चों पंजाब सूबा खेडां च नंबर 1 ते सी उह कल्चर रिवाइव करन दे लई असीं खेडां वतन पंजाब दीआं वी करवाईआं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੈਜ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਧੂਰੀ ਮੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਨਕੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀ। ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੇ ਇਨਕੀ ਕਹਾਨੀ ਸੁਣਕਰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁਆ ਹੈ। ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਹੀ ਆਪਕੋ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਯਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਲੜਕੀਓ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਜਬ ਉਨਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਪਤਨੀ ਉਨਕੇ ਘਰ ਆਈ। ਧੂਰੀ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 4 ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਲੜਕੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਧੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਧੂਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਮ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਿਆ ਅੱਜ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਰੇ, ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਕਸੈਸਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਕੀ, ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪੱਕਾ ਛੋ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨੋਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੋ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋ ਮੁਖਯ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੇਂ ਲਗਭਗ 45 ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਕੋ ਕੰਬਲ, ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, ਮਿਠਾਈ ਔਰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਔਰ ਉਨਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਕੋ ਸੁਨਾ, ਜਿਨਮੇਂ ਸੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਕਾ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ DCP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ, DCP ਸਿਟੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ADCP ਸਿਟੀ 1 ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, 10-12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, CM ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਲਾਏ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾ ਕਸ਼ੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਜਿਸਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਲਜੋਂ ਕੀ 23 ਟੀਮੋਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਈਆਂਵਾਲਾ ਕੀ ਯੋਗ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਏ ਗਏ ਥੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਚੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਮੇਂ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਸੇ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਗਈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕੇ ਲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਐਂਡ ਹੈਟੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 64 ਜੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ
यूनिवर्सिटी ने साडे कॉलेज नूं इस काबिल समझिया कि सानूं दूसरी बार इह सेवा दा मौका दित्ता है। इहदे विच बहुत सारियां पंजाबी नूं पंजाबी सभ्याचारक नूं प्रफुल्लित करन लई जिवें कि गिद्दा भंगड़ा। जालंधर के मॉडल हाउस में हो रही रामलीला के दौरान दोपहर के समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा वहां पर रखी साउंड को आग लगा दी गई। साउंड के मालिक सोनू ने बताया कि उन्हें संबंधी प्रबंधक कमेटी का फोन आया था कि स्टेज के ऊपर रखी साउंड को आग लग गई है। जब मौके पर आकर देखा तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस संबंधी जब शिवकला मंच रामलीला कमेटी से बात की गई तो उनका कहना था कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। वहीं दूसरी तरफ इस संबंधी साउंड के मालिक सोनू द्वारा पुलिस को सूचित कर दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल हाउस दशहरा ग्राउंड खड़े इस टाइम नारायण मंदिर के बाहर तो इतने अपनी ना चार पाँच दिन तो सौंड लगी हुई थी रामलीला से तो रामलीला से अपनी ना सौंड लगी हुई सी तो कुछ शरारती अंसर सानू रोज़ धमकियां दे के जाते वर्कर कि तुम इतने सौंड क्यों लाई आ इतने बंद करो तो असी यदि ना नॉलेज कौम अपनी प्रबंधक कमेटियां दस्या कि साने नाल धमकीबाजी हो रही इतने उन्होंने इस चीज़ पर गौर नहीं की कोई भी साड़ी गल सीरीयस नहीं लिया जिदा रिजल्ट अज असी सौंड वाले भुगत रहे घट्टो घट सा 3 लाख का नुकसान हो गया। तो जो सानू दुपहरे प्रबंधक कमेटी का फोन आया कि तुहाडे समान नू अग लग चुकी आ असी जो आ के देखिया तो साडा नुकसान सारा कुछ समान जो लैके जड़ तक सड़ चुकिया सारा तो उदों सानू प्रबंधक कमेटी कहती सी असी तुहाडे नाल खड़े हाँ तुहाडा 2.5-3 लाख का नुकसान होया आ कोई गल नहीं प्रबंधक कमेटी बह के गल करूगी। तो हुण जो मीडिया आई आ प्रबंधक कमेटी कहती साडी इहदे विच कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं इह शोर्ट सर्कट होया शोर्ट सर्कट हुंदा चलदे काम च इह बंद काम आ तार लत्थी हुई है वो शोर सर्कट कितों हो गया है ना हूँ पॉइंट बनाते भी अपने को सर देखो इतने रोज़ अणपछाते बंदे आते असी दसते इन्हों पर साड़ी तो जी जो भी साड़ी गलबात हुई साड़ी तो कमेटी नाल हुई ना कंप्लेंट की घंटा डेढ़ हो गया पुलिस नहीं आई भाई रोज़ होंगी गलबात देखो उन्होंने समान कि टेंट लगा कुर्सियाँ इन लाइटिंग लगी सारा अपनी लगी ना उन्होंने जिम्मेवारी सी इतने के साडे को सारा समान लगा रहन देना दसिया हो नोटिस उन्होंने गल हाँ जी उन्होंने आप हूँ मेरे गल की कहते सूँ दसिया पर इन्होंने कोई उच्च गल ना गौर नहीं की जिदा नुकसान हूँ असं झलते पे अज उल्ट सानू इन्होंने इंसाफ का की देना सानू कहते आ समान चाह के सैड से कर दो नवा लिया के ला दो नहीं सर अणपछाते बंदे है क्योंकि इतने 2-3 पार्टियां बनिया हुई इतने रामलीला मैदान दया एक रामलीला 4 दिन पहला खत्म हुई है फिर इन्हों की शुरू हुई है 2-3 पार्टियां इतने सर प्रधान जी है सत जी इतने मैं भी करके गया जी नैट वायरिंग पी सारी तोड़ गया माइक लगे ही सारे तोड़ के उतु समान कुछ चुकया गया मेरा और कुछ समान तोड़िया भी गया इतने मेरा पर चलो हाँ वो साढ़े बंदे इतने मौजूद ही रैसट इतने करते राम इतने रेंदे ही बंदे तो इसके थोड़ा बचा आ गया ये अनफॉर्चुनेटली है जी असं इन कोई कह नहीं सकते कि शॉर्टकट सर्कट का लगता चांस ज़्यादा ने क्योंकि मैं भी स्कूलों आया 4:45 मैं फोन आया तो इस तरह पंडाल में अग लगी है तो असी आके देखिया और अग कब चुकी सी सारी पर डीजे के जो मालिक को कहते पहले भी कमेटी ने दसाया गया कि ट्रैट वगैरह भी आते नहीं इदा की कोई गल नहीं कोई इदा की गल नहीं है कहना देखो गल कह सकते ने पर ऐसा लगता नहीं कुछ एस जे शरारत करनी होंगी तो ऐसा थोड़ी करेगा कोई इतने भाई रामलीला चली सी अही भाई तो इतने रोजे 2 बजे मुंडे से आते थे और कल की गल है भाई पिछों मुंडे बट्टा मारे रही हैं और फिर परसों की गल है भाई एक सरदार जी मिले बार एक मुंडा मिले वो कह रहे तो माल क्यों लाया तुम्हें किन्ने कराए थे कि वालों ये गल कही गई ये नहीं पता थी ओके हाँ जी बाहर से हाँ जी क्या तुम्हें किन्ने क्या लाना अमृतसर में इलेक्ट्रॉनिक की मशहूर कंपनी सैमसंग ने सैमसंग स्मार्ट प्लाजा साउंड ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। इस अवसर पर सैमसंग के नेशनल हेड अनुपम खेतान साउंड ट्रेडिंग कंपनी के जयरीत सिंह जसविंदर सिंह सतिंदर बीर सिंह ने शमा रोशन कर उद्घाटन किया।
इस मौके पर अनुपम खेतान और साउंड ट्रेडिंग कंपनी के जयरीत सिंह ने कहा कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये सैमसंग का स्मार्ट प्लाजा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। लोगों को एक छत के नीचे सैमसंग के मोबाइल्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, साउंड सिस्टम इत्यादि बहुत ही वाजिब कीमतों पर मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सैमसंग ने अपने ग्राहकों के लिए आसान किश्तों पर और क्रेडिट कार्ड पर बहुत आकर्षक स्कीमें निकाली हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शोरूम साडा सैमसंग प्लाजा खुलिया है सर्कुलर रोड ट्रिके मॉल के कोल। सारे सैमसंग की सारी रेंज रखी है, फोन हो गए, एलईडियां हो गई, सू मार्केट नो थोन एक्स्ट्रा बेनीफिट्स भी मिलेंगे। जिम्मे एलईडी पूरे अमृतसर से पूरे इवन पंजाब साडा शोरूम ऑफर करता है एक ईयर की ब्रेकेज इंश्योरेंस और कोई शोरूम या कोई ब्रांड नहीं ऑफर कर सकते। उस तो उपर थोड़े स्मार्ट क्लब पॉइंट्स भी आएंगे, जिम्मे कुछ समान लेंगे तो पॉइंट्स आएंगे, उसमें रिडीम करा के कोई और प्रोडक्ट भी लैके जा सकते हो, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। साढ़े को साउंड बार्स मिल जाएंगे, साउंड टावर मिल जाएंगे, फुली ऑटोमैटिक मशीन मिल जाएंगी जी नॉर्मल किसी रिटेल शॉप से नहीं लगी होंगे, फुली ड्रायर वाली हो जाएंगी, एस डिस्प्ले वाली स्क्रीन वाली फ्रिज मिल जाएगी, एलईडी लगी हुई है, होर भी काफ़ी प्रोडक्ट है जिम्मे फ्लेम टीवी है, वो सिर्फ साढ़े शॉप का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। बहुत बहुत बधाई हो इनको एंड हमारे सैमसंग में ब्रांड शॉप की बहुत अच्छी प्रथा है और पंजाब में पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रांड शॉप का कंट्रीब्यूशन है, उसी दिशा में यहाँ पे साउंड ट्रेडिंग ने खोला है एंड मेरी इनकी पूरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे मौके पे खोला है कामयाबी की और इसके बाद एक नहीं और कई खोलेंगे हमारे साथ। नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के चौथे दिन की शुरुआत सीता स्वयंवर के साथ हुई। चौथे दिन की नाइट में कलाकारों ने सीता स्वयंवर का मंचन किया। सीता स्वयंवर में अनेक देशों के राजा शामिल हुए लेकिन कोई शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। अंत में प्रभु श्री राम ने जैसे ही शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई तो देखते ही देखते धनुष टूट गया, जिसके बाद माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इधर शिव धनुष टूटते ही भृगुवंशी परशुराम क्रोधित होकर स्वयंवर में पहुंचे तो उनका क्रोध देखकर पंडाल में सन्नाटा छा गया, जिसके बाद परशुराम लक्ष्मण के संवाद का भी कलाकारों द्वारा बेहद मंचन किया गया। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम, संरक्षक राम सिंह, सीनियर चेयरमैन दीपक सूरी, चेयरमैन वीपी गुप्ता, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, मैनेजर राजेंद्र तिवारी, विनोद कुमार, विक्रमजीत वर्मा, सूर्य मिश्रा, हरिराम प्रजापति, प्रताप नारायण यादव, रामू प्रसाद सियाराम, सूर्यनाथ यादव, अरुण पाल, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, विनोद पटेल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बहुत ही विशिष्ट मेहमान पधारे हुए हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी इंडस्ट्री संभालना बहुत बड़ी बात है, तो हमारे बीच में ऐसे ही ये शख्स आए हुए हैं, अभिमन्यु घई जी, घई रबड़ के मालक, उनके साथ और उनके दो साथी आए हुए हैं। मैं अपनी नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। रामलीला समिति रजिस्टर्ड, मैं चाहता हूं कि ये ऐसे ही बढ़ चढ़ के ऐसे आगे काम करते रहे,
और आप इनके पास ऐसे ही हर साल आते रहे। ये ऐसे धार्मिक प्रोग्राम करते रहते हैं और हम सबको इसी लाइन में चलाते हैं। इनके कारण हम ऐसे पीछे चलते चलते धार्मिक स्थानों पर पहुंचे हैं। जय श्री राम। न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद के खुले मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला के चौथे दिन की नाइट की शुरुआत राम वनवास के दृश्य के साथ हुई, जिसमें कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वर मांगे। पहले में राम और लक्ष्मण को वनवास और दूसरे में भरत को राजगद्दी मांगी। राजा दशरथ को नाचाते हुए भी कैकेयी की बात माननी पड़ी, जिसके बाद भगवान राम लक्ष्मण व सीता भी पिता के दिए वचन को पूरा करने के लिए वनवास के लिए रवाना हो गए। वनवास प्रसंग के मंचन में सभी को भावुक कर दिया। रामलीला के चौथे दिन की शुरुआत अश्वनी दीवान हैप्पी, राजेश कुमार मल्होत्रा, पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरीशंकर मंदिर से विजय कुमार जोशी, सुशांत मित्तल, हुकुम सिंह बिट्टू और अनिल शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत कर की। इस अवसर पर मुख्य निर्देशक श्री राम जोगी, मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सियाल, कोषाध्यक्ष यशु सियाल, वाइस चेयरमैन केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, संगठन मंत्री धर्मपाल अरोड़ा, उप प्रधान अश्विनी हांडा, ललित शर्मा, विकी सियाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम इस पंडाल के अंदर, इस माँ अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर हमारे जितने भी ये आयोजक हैं और हम जितने भी श्रोता हैं यहाँ देखने वाले, ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो रामलीला का आयोजन है न्यू नवयुवक सभा की तरफ से और माँ अन्नपूर्णा मंदिर कमेटी की तरफ से कि ये देखो ये जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना व्यवहार करते हैं और अच्छी अच्छी सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। किसी को ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई काम नहीं करते और ऐसे आयोजन कर रहे हैं। पर भास्कर जी ने अपनी जगह बिल्कुल ठीक ये बात कही कि बहुत व्यस्त है आज के जीवन में अपने घर को चलाने के लिए और ये जो कैसा भी जितना भी जो सिस्टम चल रहा है उसको चलाना थोड़ा मुश्किल तो लगता ही है, लेकिन ये लीला सारी उस भगवान राम जी की है। उपकार रामलीला क्लब ढंडार मंदिर की ओर से 54वीं वार्षिक रामलीला का मंचन ढंडार मंदिर बस्ती गुजा जालंधर में महंत रामदयाल दास की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस रामलीला नाइट में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की ओर से शिव पूजा का सुंदर मंचन कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर चेयरमैन राजू मदान, अध्यक्ष हरिकृष्ण बाली, संजीव बाली सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के तीसरे दिन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर गायक शिव भारद्वाज एंड पार्टी लुधियाना वालों ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए माता की भेंटे और मनमोहक भजन सुनाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में 19 को राजन मिनी चंचल एंड पार्टी, 20 को अशोक शर्मा व कुमार आशु शर्मा एंड पार्टी, 21 को चीनू सहगल एंड पार्टी, 22 को प्रवीण लक्की एंड पार्टी, 23 को कुमार हरीश एंड पार्टी पठानकोट वाले माँ की महिमा का गुणगान करेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उप प्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमनपुरी, अश्वनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू कुलवंत रायपुरी और सुखदेव कुमार ने गायक शिव भारद्वाज एंड पार्टी लुधियाना वालों को माँ की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। लाल देह लाली नसे अरुधर लाल रंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर।
अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम धनुजबल कृशानम ज्ञानिनाम उग्रवक्रम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। बोली पवन पुत्र हनुमान की, बोली बालाजी महाराज की। और बड़े सोखे सोखे लफ्ज़ नहीं मिलके सबने विनती करनी कि प्रभु ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है। लाल हाथ खोल के मुंह बोल के दो धड़ी ताली और सबने उच्चारण करना है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार टीआर सचदेवा जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं शोक सभा का आयोजन श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया। इस दौरान पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय टीआर सचदेवा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की, तो वहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय टीआर सचदेवा को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, सोमेश लुथरा, गोल्डी मरवाहा, अजय चोपड़ा सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा वरिंदर सचदेवा, रमन सचदेवा, दीपक कालरा, आरती सचदेवा, मोना सचदेवा, नीलम कालरा, रीवा, अनिल चावला, संजीव करपाल, सोनिया चावला, सवीना करपाल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय टी आर सचदेवा को श्रद्धा सुमन अर्पित की। उनका बहुत सरल सा गणित है। चीन के बहुत प्रसिद्ध संत हुए लाओत्से, उनके पास एक व्यक्ति आया रोता हुआ और लाओत्से से आकर कहने लगा, महाराज आज मैं बहुत दुखी हूँ। लाओत्से ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा आज मेरे किसी अपने की मृत्यु हो गई है, मन बहुत दुखी है और मेरे मन में एक प्रश्न है कि यह मौत क्या है, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होती है? आज मैं आपसे इसका उत्तर जानने आया हूं। जब लाओत्से ने यह बात सुनी तो वो गंभीर हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा प्रश्न गलत है कि व्हाट इज डेथ, यह तो प्रश्न ही नहीं, प्रश्न तो यह होना चाहिए व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। जो अपने जीवन को जान लेता है, जीवन की पहेली को सुलझा लेता है, उसके लिए मृत्यु
कभी भी प्रश्न नहीं रहते क्योंकि मृत्यु जीवन का ही दूसरा पक्ष है। अर्थात लाओत्से जी ने समझाया कि हम अपना संपूर्ण जीवन मात्र केवल जीवन को जीने में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यदि जीवन को जान लिया जाए तो फिर मृत्यु भय नहीं। इसलिए बहुत सुंदर हमारे ऋषियों ने कहा कि उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमारी जीव आत्मा को यह मनुष्य तंत्र प्रदान किया है, इसके साथ जोड़ा है। और क्यों जोड़ा है? कि हम इस जीवन में उस ईश्वर के साथ जुड़ जाए। ये हमारे जीवन का सार है। महाभारत में बहुत सुंदर एक छोटा सा प्रसंग आता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए और उनमें से एक प्रश्न था किम आश्चर्य मतप परम। महाभारत में इसका वर्णन आता है, हे युधिष्ठिर यह बताइए कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, अहंतेहानि भूतानि गच्छन्ति यम मान्यम शेषस्थावर गच्छन्ति किम आश्चर्य मतप परम। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, इस संसार में आप देखें बहुत से प्राणी जन्म ले रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। इस जगत में रहने वाला हर इंसान रोज अपनी आंखों से किसी न किसी की शव यात्रा को शमशान की ओर जाते हुए देखता है, किसी न किसी की चिता की अग्नि को जलते हुए देखता है, लेकिन शेषास्थावरम इच्छन्ति, लेकिन स्वयं के लिए जाग बैठता है कि शायद मैं हमेशा इस संसार में रहने वाला हूँ, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये जीवन का सत्य आगमन और अगमन, संसार में आना और संसार को छोड़कर चले जाना, लेकिन इस जीवन का परम लक्ष्य बोध हमारे महापुरुष हमें करवाते हैं। इस जीवन की सार्थकता है कि हम समय रहते अपने जीवन में उस ईश्वर के ज्ञान, ध्यान और भक्ति के साथ स्वयं को जोड़े। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, दिस ह्यूमन बॉडी इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ प्राइसलेस गिफ्ट रिसीव आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड रीबर्थ्स, एंड द मेन एम ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन गॉड। सजने सने सुख के संगी दुनिया की है चाल दुरंगी, चाल दुरंगी सजने सने to everyone, especially the youth. As an educationist,
We believe in the power of knowledge and the dedication to education. We have seen a new inspiration which has been organized for many people and today the community has been influenced. और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा में एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों सहित संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन के आगे कूद कर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों की कर रही तलाश। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कपूरथला में हुए दीपा कत्लकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। चार पिस्टल, एक राइफल और तीन जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के सीआईए स्टाफ की टीम ने गैंगस्टर पंचम को मुंबई के होटल से किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर किया ये ऑपरेशन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।